नहीं बल्कि उलेल अमर ने अपना अमर जारी किया, रूपी अम्मा खैमों से बाहर निकल जाओ। ये आजमाइश और इम्तिहान का वक्त था सैयद ज़ैनब के लिए, इमाम ने अमर जारी किया। लेकिन जब कैद गुजार चुके सादात, यजीद ने कैद रिहा नहीं किया, सैयद ज़ैनब ने रिहाई जीती। बीबी ने रिहाई जीती, हमेशा फाते शरायत मनवाता है, बीबी ने शरायत मनवा के बताया कि यजीद ने रिहा नहीं किया, हमने रिहाई को जीता। और यजीद ने भेजा कासिद को कि जाओ सीधे सज्जाद को बुला के लाओ, अब बीबी की अजमत और शान बताने का वक्त था, जाओ सैयद सज्जाद को बुला के लाओ। कासिद आया, इमाम तशरीफ ले गए, कहा मैंने आपकी कैद रिहा कर, अब आप यहां रहें या मदीने जाएं। फौरन इमाम ने कहा जरा रुक यजीद, मैं जा रहा हूं अपनी फूफी ज़ैनब से पूछ के बताऊंगा, जो समझ रहे हैं वो बोले मेरे साथ, मैं अपनी फूफी ज़ैनब से पूछ के बताऊंगा। मेरे जुमलों का साथ देना, इमाम होता है नुमाइंदा मशीयत, ये इमाम चल के नहीं जा रहे थे, मशीयत बारगाह ज़ैनब पे चल के जा रही थी, बीबी बता तेरी रजा क्या है। बता तेरी रजा क्या है। तीन बीबियां इकट्ठे गुजरी, इधर मां है इधर बेटी है, मां है तो ऐसी बेटी है तो ऐसी। इस बीबी का अपना जाती मकाम किस कदर बुलंद है, जनाबे सैयदा का मकाम कितना बुलंद है। मेरे खिला इस्मत के दो घराने ऐसे गुजरे हैं कि जहां बीबियां मासूमा हैं, एक हजरत मरियम का खानदान, हजरत मरियम दो बीबियां तारीख निस्वा में मासूमा गुजरी हैं, बनस से कुरान, जिनकी इस्मत की गवाही कुरान ने दी, बतूल बीबियां, एक जनाबे मरियम दूसरा जनाबे सैयदा मासूमा भी, एक जनाबे मरियम का खानदान एक जनाबे सैयदा का खानदान, जहां बीबियां मासूम हैं लेकिन मेयार अलग हैं। मरियम के खानदान में बीबी मरियम मासूमा है, बतूल है, बेटा मासूम है, नबी है। लेकिन सैयदा के खानदान का शरफ यह है, यहां सैयदा मासूमा, बाप मासूम, शौहर मासूम, दो बेटे दोनों मासूम, दो बेटे दोनों मासूम, बल्कि मरकज़े दायरा इस्मत का नाम फातिमा है। बीबी का लकब है मरकज़े दायरा इस्मत, दायरा सर्कल को कहते हैं, सर्कल छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, सर्कल सही, सर्कल कैसे बनता है, प्रकार के दो जिले होते हैं, एक को रखा जाता है दूसरे के जरिए दायरा, जहां रखा जाता है जो नुक्ता बनता है वो मरकज है, और दायरे के सही होने का एक ही मेयार है कि उस मरकज का फासला चारों तरफ से बराबर होना चाहिए। बीबी है मरकज दायरा इस्मत, यही वजह है कि जब ये पैंतने पास चादर के नीचे आए और जिब्राइल ने कहा या रब्बे वो मन तातल के साथ, परवरदिगार इस चादर के नीचे है कौन, जिब्राइल ने ये सवाल करके हम पे एहसान किया। अगर जिब्राइल न सवाल करते तो कयामत तक लोग यही समझते कि चादर के नीचे पैगंबर हैं, मौले कायनात हैं, सैयदा हैं, इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन हैं। जिब्राइल ने सवाल करके एहसान कर दिया, अल्लाह ने जवाब में फरमाया हम फातिमा तो व अबूहा बबालोहा व बनूहा, मरकज सैयदा को बनाया, हम फातिमा तो
चारों तरफ से फासला। सैयदा बुलंद सलावत।